ही इज माय लैपटॉप, मेरे लिए सब कुछ है वो। राजा राव, रहने दो। कारोबार करने के लिए मैंने खून किए, दुश्मन न रहे इसके लिए भी मैंने खून किए, और अब तो मैं मासूम लोगों को भी मारने के लिए तैयार हो गया हूं। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए हमें, हमारे धंधे में ये सब नहीं देखना चाहिए। हमने आज तक जितना पैसा कमाया है उतना इस एक कॉन्ट्रैक्ट से मिल जाएगा, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए। अगर तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने वाले हो तो तुम्हारे साथ मेरा रहने का कोई मतलब नहीं। क्या हुआ, डर गए क्या? मैंने फैसला कर लिया है, तुमसे अलग हो जाऊंगा। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? बिल्कुल। राम प्रसाद सोच लो। इज माय फ्रेंड। भारती, भारती, अब भी तुम्हारा वही फैसला है? भारती, राजा रऊफ गलती कर बैठे। उसे पता चला कि मैं अप्रूवर बन गया हूं तो वो मुझे जान से मार देगा। क्या आप लोग मेरी जान की सुरक्षा का भरोसा देते हैं? क्या बोल रहे हो, गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिपार्टमेंट में सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं है। तुम्हारी गलती की वजह से सब हुआ, तुम अपनी गलती मान लो। एक अप्रूवर को कोर्ट तक नहीं ला सकते और यहाँ बकवास कर रहे हैं? कौन है ये राजा रऊफ? कल तक एक साधारण गुंडा था, आज शहर का नंबर 1 टाइकून हो गया है। जो इलीगल काम करता है उसकी दवा खाकर अगर एक आदमी बचता है तो 100 आदमी मरते हैं। उसे पकड़ने का हमारे पास एक ही ट्रम्प कार्ड था, अप्रूवर राम प्रसाद। लेकिन अब क्या हुआ, राम प्रसाद का हम पर से भरोसा पूरी तरह से हट गया है। थर्ड ग्रेड क्रिमिनल रास्कल पुलिस डिपार्टमेंट को चैलेंज दे रहा है, उस पर एक भी केस दर्ज कर पाए? एक भी केस नहीं, क्योंकि उसके आदमी हमारे हर एक डिपार्टमेंट में है। इससे पहले कि हम कोई प्लान बनाए उसे पता चल जाता है। ठीक है, ये मेरा सरदर्द है, मैं इसे संभाल लूंगा, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, आई डोंट केयर। आई विल हैंडल दिस केस पर्सनली, मैं खुद फैसला लूंगा। यू मे गो नाउ। सर मेरी बात तो सुनिए। आई से यू मे गो, लीव मी अलोन। सर सर, यस सर। सर मैंने कभी आपको इतने टेंशन में नहीं देखा। टेंशन में ना रहूं तो क्या करूं? उस राजा रऊफ ने तुझे मैंने धक्का नहीं दिया, तू खुद गिरा है।
सर क्या हुआ सर? हमारे साथ में काम करने वाले लोग जब इस तरह गिरकर मरते हैं और मैं फील ना करूं तो उन्हें दुख नहीं होगा? Am I correct? Correct. मैं जो भी काम दूं अच्छी तरह करना, कहा था ना? राम प्रसाद को तुमने जाने कैसे दिया? ही इज माई लैपटॉप। इससे पहले कि वो किसी के हाथ लगे मेरा लैपटॉप मेरे पास होना चाहिए। तू क्यों फील कर रहा है? वो तो मेरा लैपटॉप था सर, वो मेरी कार थी। इकबाल कहाँ है रे? Good.
क्या हुआ, तुम यहां क्यों आए? कैसा आदमी है, कुछ बोलता भी नहीं। क्यों डर गए क्या? ओ समझ गया तुम क्यों आए हो, गलती से आ गए हो पर वापस नहीं जाओगे। मैं मुझे चैलेंज करने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। मैं जान से मार देता हूं। ए, तू मुझे नहीं जानता है। देख रहा हूं। जोक? जोक कर रहा है? जोक कर रहा है ये? जोक कर रहा है ये? शूट! जो डर गया समझो वो मर गया। मुझे जान से मारने आए हो? यू वॉन्ट टू किल मी? डोंट शाउट। He's resting in peace. देखो क्या बात है। Oh, dead. Sir, इकबाल नहीं, phone dead. Oh. 320 work stabilized market. Breaking news. Gangster killed. Iqbal was shot dead by unidentified person. He was wanted by the government in several drug-related cases. The police has begun the investigation. Sir, आपको अंदर बुला रहा है। They are trying to find out that who has killed the person. Iqbal. मैंने क्या गलती की? शिवा, CBCID, सभी ऑफिसर्स को पाठ सिखाने वाला एक अकेला ऑफिसर। शिवा, गुंडों का अकेला दुश्मन। दंगा फैलाने वाले अगर एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो वो उन्हें छोड़ता नहीं है। शिवा, वन मैन आर्मी। सबको उस पर भरोसा है, लेकिन उसे भरोसा है अपनी बंदूक पर। उसे शोर बिल्कुल पसंद नहीं है और इसका नतीजा आप देख सकते हैं। इस कड़क शिवा का एक दूसरा पहलू भी है, उसे संगीत से बहुत प्यार है। वो जब कोई बात कहे तो सबका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, नहीं तो सीरियस होकर वो सिर्फ एक ही प्रोग्राम देखता है। Thank you.
बेचारा रेड्डी शिवा के बारे में जाने बिना रिश्वत देने आया है। इस शिवा के कुछ दोस्त भी हैं, टिंकू, रिंकू, करण, वरुण। ये है शिवा का एक और रूप। सर, रामप्रसाद शहर छोड़कर अब तक भाग गया होगा ना? नहीं। सर, लड़की? नाम है पूजा। रामप्रसाद की इकलौती बेटी है, ऊटी में पढ़ रही है। इससे मिलने वो जरूर आएगा। आई गॉट इट सर। व्हाट? अगर हम तुरंत उस लड़की को अरेस्ट कर लें तो? मिस्टर हनीफ, बिना किसी कारण के किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो फिर कॉलेज के चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा देते हैं। उसे पता चल गया पुलिस वहां है तो वो वहां कभी नहीं जाएगा। छी। सर, एक हाईटेक आइडिया आया है। बताऊं? बताओ। उस कैंपस के चारों तरफ क्लिक कैमरा लगा दिया जाए तो? वंडरफुल, ग्रेट आइडिया। कितना कैमरा लगाएंगे, कहां कहां लगाएंगे? सॉरी सर, हाईटेक आइडिया बता रहे हैं। किसी ऑफिसर को प्रोफेसर बनाकर भेजा जाए तो? नो, ऐसा प्रोफेसर बच्चों के साथ घुल मिलकर उनसे बात नहीं निकलवा पाएगा। ये ठीक नहीं रहेगा मिस्टर हनीफ। तब तो एक स्टूडेंट भेजना पड़ेगा। करेक्ट सर। गुड। ओके, स्टूडेंट होगा कौन वो? यस, कम इन। शिवा रिपोर्टिंग सर। टेक योर सीट। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशंस, इकबाल की फाइल की जगह इकबाल को ही क्लोज कर दिया। सबको क्लोज करना ही इसका काम है। योर नेक्स्ट असाइनमेंट, यू आर गोइंग एज अ स्टूडेंट। व्हाट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नो नो। अच्छा, मुझे जाना होगा। ठीक है। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। इकबाल को पकड़ने के लिए कहा तो उसे मार दिया। मतलब क्रिमिनल ज्यादा अहम है और मैं कुछ नहीं? ऐसी बात नहीं है शिवा। बंदूक निकालूं या नहीं, ये फैसला मैं नहीं, वो क्रिमिनल्स करते हैं। ठीक है, ये सब छोड़ो। अब तुम्हें फौरन उठी जाना होगा। स्टूडेंट बनकर तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं भेज रहा हूं, प्रोटेक्ट करने के लिए भेज रहा हूं। टेक इट सीरियसली शिवा। मैं डिपार्टमेंट में किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। ये कमिश्नर का ऑर्डर नहीं है, एक बाप की रिक्वेस्ट है। इमोशनल ब्लैकमेल। जरा देखिए मुझे, ये दाढ़ी, ये पेट, क्या मैं स्टूडेंट लगता हूं? मतलब तुमसे यह नहीं होगा? होगा सर। गुड। मिस्टर शिवा, रामप्रसाद को लेकर आना, मार कर मत आना। इसका फैसला मुझे नहीं, उसे करना है। ये कभी सुधरने वाला नहीं है। स्टूडेंट फोटो। इंट्रोडक्शन प्लीज। यह है अल्बर्ट मैथ्यू डिसोजा। यह है सेंट जॉन्स कॉलेज के एकमात्र प्रिंसिपल। यस। हमने बहुत एक्शन देखा है, लेकिन इनका ओवर रिएक्शन ही इनकी खासियत है। यह अपने आप को सबसे काबिल समझते हैं, यही इंट्रोडक्शन काफी है। थैंक यू।
शिवा स्टूडेंट, ये कॉलेज है आ? ओके गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग प्रोफेसर. गुड मॉर्निंग प्रोफेसर. हाय. हाय अंकल. अंकल कहाँ जाना है? प्रिंसिपल से मिलना है. आप कौन है? स्टूडेंट. पुराने स्टूडेंट हो? न्यू एडमिशन. सर आपका एल्बर्ट मैथ्यू डिसूजा. ओके बताइए सर. यस वन सेकेंड. अरे बाप रे मर गया. सर टू सेकेंड. यस बोलिए सर. ये थ्री सेकेंड्स. हेलो. हेलो काम सक्सेस. अरे ऐसी बात है? कब? कल. ये तो अच्छी बात है. हमारी बतख ने अंडे दे दिए. बतख ने अंडे दिए? मैं हूँ एल्बर्ट मैथ्यू डिसूजा प्रिंसिपल. ओके रॉन्ग नंबर. अब तो बताइए. नहीं बताना चाहते? ओके सर. yes. ये एक सीक्रेट मिशन है. हाँ. किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए. आप कौन है? शिवा पुलिस ऑफिसर. देखा मैंने नहीं बताया, आपने ही बताया. क्लेवर. आई नो सर. कभी भी कहीं भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ. आज से इस मिशन में मैं आपके साथ हूँ. समझ गए सर? समझ गया. अब हम क्लास चले. अरे रुकिए सर. समझे नहीं. अरे वो मतलब नहीं है. रुकिए रुकिए. कम ऑन फॉलो मी. सर सर लगता है आप मुझे जरूर फंसा देंगे. ऐसी बात है? कम. हाय गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. मीट मिस्टर शिवा स्टूडेंट. हाय स्टूडेंट. ओके कम. वाकई स्टूडेंट है? मैं भी देखने में पियून तो नहीं लगता. सर मुझे एक डाउट है. सर देखो तुम्हें जो भी डाउट है वो मुझसे मत पूछो, अपनी किताब में देख लो. तो मैं ये कहना चाह रहा था कमलनाथ, आपको जो भी कहना है मेरे कहने के बाद कहिए. ओके ओके. बाय द वे ये कौन है आप लोग जानते हैं? जानते हैं सर. ये सब लोग भी आपके मिशन में शामिल हैं? सर मैं सर है. नो स्टूडेंट. स्टूडेंट 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 दस साल पहले अपनी किसी निजी परेशानी की वजह से ये अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, लेकिन अब और आज से ही अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, तो हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए. ओके ऑल द बेस्ट मिस्टर कालीचरण. शिवा सर जानबूझ के नाम बदल कर कहा. मैं समझ गया सर कि आप क्या सोच रहे हैं. आप यही सोच रहे ना कि इतने दिन बाद आए कहाँ बैठूं. करेक्ट. आपका जहां मन करे वहां बैठ जाइए. ये मुझे फंसा के ही रहेगा. थैंक यू मिस्टर कमलनाथ.
मैंने जो कहा वो समझ गए ना? ओके, कल मिलते हैं। क्लास डिसमिस। ए, हम लोगों से पंगा लेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो कहीं का नहीं रहेगा, समझा ना? लेट्स गो गाइस। शिवा, तुम कब आए? स्टूडेंट लाइफ का एक अलग ही मजा है। बॉयज, गर्ल्स, एनी स्पेशल गर्ल्स? ओके 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 ओके, फर्स्ट डे, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत सारी चॉइस है, लेकिन मुझे एक डाउट है, कॉलेज में आपसे बड़ा कोई स्टूडेंट है? ये बताइए, आपने मुझसे कभी मार खाई? जो काम करने आए वही कीजिए। आप क्या खाना चाहेंगे स्टूडेंट? सर, रामप्रसाद को सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिला। हमारे भेद जानने वाला आदमी इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा, उसकी जान पहचान वालों को पकड़ो। मेरे अलावा नरेंद्र को देखा क्या? नहीं देखा। नरेंद्र को देखा? पता नहीं कहाँ गया। नरेंद्र को ढूंढ रही है। मैंने आपसे पूछा क्या? तू और नरेंद्र क्या सिर्फ अभी तो फ्रेंड्स हैं, लेकिन उसके बाद कुछ कह नहीं सकते। वेट, हाय, कैन आई? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। छे, कैसे कैसे लोग हैं ना, डिस्टर्ब करते रहते हैं। हाँ पूजा, थैंक गॉड क्लास जल्दी खत्म हो गई, इट वाज सो बोरिंग यार। मुझे क्यों फॉलो कर रहे हैं? फ्रेंड्स, मांगी नहीं जाती, की जाती है। हेलो कमिश्नर साहब, आप भी क्या करते हैं? आपको पता नहीं है कि फोन पे बात नहीं करनी है? ठीक है, शिवा कैसा है? जो भी हो, ये एक सीक्रेट मिशन है, हम लोग आमने सामने बात करेंगे। मैं जानता हूँ, मैं यहाँ देख लूंगा, आप वहां संभल कर रही है। क्यों, शॉक्ड हो गए क्या? सरप्राइज्ड, आपने गलती से शॉक समझ लिया। वेटर। यस सर। थैंक यू। हाँ, गेट मी अ फेटो सैलेड विथ पेपर एंड ऑलिवस, सर्व विथ बटर स्प्रेड एंड सुल्तानस। सर, आप क्या लेंगे? ब्लैक कॉफी। और क्या चाहिए? ओके सर। बोलिए ना। तू? ओ, वो मौका तो आप गंवा चुके हैं। उसे मौका नहीं कह सकते, तुम्हारा लक। मेरा बैड लक, राम प्रसाद बच गया। लकी फेलो। सिर्फ थोड़े दिन के लिए। हाँ, जब तक मैं उसे अरेस्ट नहीं कर लेता। सर, आपका ऑर्डर। कैंसल। चाहे तो मैं कैंसल। अब सर आ रहे हैं। सर, शिवा सर, आइए ना सर, बैठिए। सर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? जो आप लोग खा रहे हैं मैं भी वही खा रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो हम सब खा रहे हैं सर भी वही खाने वाले हैं। खाइए सर। शिवा, मत मारो। शिवा, छोड़ दो। मुझे क्यों मार रहे हो? शिवा, गलती हो गई से, छोड़ दो। शिवा, अरे शिवा, 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 शिवा,
इसलिए तुझे समझाया था ना, उसके बाद भी तू नहीं माना, अब भुगत। ऐसे क्या घूर रहे हैं? हम स्टूडेंट्स हैं, हमारे बीच कुछ नहीं। दोस्तों, सर बिकेम स्टूडेंट। स्टूडेंट सर, आज के बाद हमें फॉलो करना बंद कर दीजिए। हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, कल हमारे कॉलेज का ट्रेडिशनल डे है। लड़कों को धोती कुर्ता पहनना होगा और लड़कियों को लहंगा पहनना होगा। तुम लोग जानते हो ना, ऐसा नहीं करने वाले को क्या पनिशमेंट मिलेगी? जानते हैं, जानते हैं। पनिशमेंट? क्या बाबू लग रहा है देखना। ओ बाबू, अरे इसको कलकत्ता भेज दो। अरे क्या लग रहा है बाबू? दामाजी। भैया जी, ये क्या रूप बना रखे हैं? ट्रेडिशनल डे। ट्रेडिशनल डे हमारे कॉलेज में मनाया ही नहीं जाता। भैया जी आगे चलिए प्लीज। देखो तो बेचारे भैया जी कितने दुखी मन से जा रहे हैं। हमारी फ्रेंडशिप चाहते हो तो हमारे ट्रेंड में रहना होगा, समझे? Come on guys. स्टूडेंट्स को क्या पता, ये तो मेरे जैसा डिटेक्टिव ही जान सकता है कि आप ऐसी ड्रेस में यहाँ क्यों आए। बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर मिशन, आई एम राइट? चुप कर बेवकूफ। जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए, माइंड वॉइस नहीं चलेगी। खुद सोचिए, खुद सोचिए। मुझे शार्प समझ रहे? अरे बाप रे, मैं भी नहीं समझ पाया। hey, कमिश्नर को फोन लगाओ। कमिश्नर आपके पिता हैं? लगा, इसे पकड़िए, मैं लगाता हूं। सॉरी सॉरी। हेलो, लाइन पर हैं। पापा, मैं यहां स्टूडेंट की तरह नहीं रह सकता। आपके प्लान के मुताबिक कुछ नहीं होगा। इस बात को कैसे डील करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं। अपना प्लान अपने पास रखो। पापा, कॉल मी कमिश्नर राइट नाउ, आई डिसमिस यू फ्रॉम द जॉब। तुम जो करते हो वो ठीक है, हम जो करते हैं वो गलत है। hey, चाहे जितने दिन भी लगे वही रखकर अपना काम खत्म करके आना। गॉट इट? ओके सर। फोन उसे दो। आप भी तो रख सकते हैं। तुम पागल? तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हेलो, वहां क्या हो रहा है? सिचुएशन इज क्रिटिकल, अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, प्लीज। अब तो ठीक है स्टूडेंट। जाओ यहां से कदे। स्टूडेंट मिशन में शामिल करने के लिए शुक्रिया। तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? 2-3 घंटे कोई एक ही जगह खड़ा होगा तो पसीना आना लाजमी है। कोड वर्ड याद है ना? जान भी चली जाए पर किसी को नहीं बताना। मनोज राजा बोल रहा है, पवन राजा बोले ओवर। अरे हेलो। जान भी चली जाए तो भी किसी को बताना नहीं, आपने ही कहा था ना। अरे कोई आ रहा है। वॉकी टॉकी, कोई आ रहा है। और यस, मुझे रोज नई लड़कियों के साथ घूमना पसंद है। मुझे मैडोना पसंद है, मुझे ब्रिटनी स्पीयर्स पसंद है, मुझे शकीरा बहुत पसंद है। सचमुच मुझे शकीरा बहुत पसंद है। बस, तुम्हारी बकवास बहुत हो गई। पूजा, तुम्हें कौन पसंद है? मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हें थोड़ा सा पसंद करती हूँ। कौन पसंद नहीं है? पापा। हाँ, मेरे पापा। क्यों पसंद नहीं है? पूजा 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 पूजा, आई एम सॉरी। कितनी बार बता चुकी हूँ, ये लास्ट टाइम है। ओके, अब स्माइल। हेलो, मैं समझाने से समझ में नहीं। नरेंद्र, क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं आप? फ्रेंडशिप अपने आप होती है, मांगी नहीं जाती। क्लास के लिए लेट हो रहा है। अरे अरे, केमिस्ट्री के नए प्रोफेसर आ रहे हैं, मुझे जाना होगा। नरेंद्र जल्दी चलो। आता हूँ। हम फ्रेंड्स बाद में बनेंगे, पहले हमारे ट्रेन में आइए फिर सोचेंगे। हुँ?
तुझे देख के कहता है मेरा मन। Stop it! कौन हो तुम? Student. जानते हो मैं कौन हूँ? अभी पता चल जाएगा। ये कौन है यार? इसे हमारी ट्रेन में आने को कहा तो इसने अपना ही ट्रेन शुरू कर दिया। इसका मतलब सर ट्रेन सेटर है? ए, चल जा, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कौन किसे सेट कर रहा है। मल्लिका केमिस्ट्री प्रोफेसर, पढ़ाई पुणे में की, यूनिवर्सिटी टॉपर, गुस्सा जल्दी आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एम्बिशंस डॉक्टरेट, हॉबीज रीडिंग नॉवेल्स एंड अनमैरिड। हार्टी वेलकम टू आवर कॉलेज। आई एम सॉरी सर। फॉर व्हाट? एक स्टूडेंट ने मुझे देखकर इनडिसेंट गाना गाया। ऐसी बात है, वन सेकेंड। मनोज राजा कॉलिंग, पवन राजा ओवर। पवन राजा बोल रहा है, ओवर। प्रोफेसर मल्लिका को देखकर गाना गाने वाले लड़के को तुरंत मेरे पास भेजो, ओवर। मैं सब देख लूंगा, आप बैठिए। एक्सक्यूज मी सर। यस, ओई, यस सर। यही है सर, वो इंडिसेंट फेलो, द कल्प्रिट। हे, तुम ही ने गाना गाया था ना? ना क्यों कह रहे हो? गॉड, देखा सर, हाँ कह रहा है, अपनी गलती मान रहा है। अब मैं क्या करूँ? सावधान रहो, इस काम में माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, काका काकी, चाहे कोई भी हो, अपने कर्तव्य से मुंह नहीं फेरना चाहिए। नीलकंठ, शिवा, अब मुझे तुमसे सवाल पूछना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, इसे पनिश कीजिए। तुमने ऐसा कौन सा गाना गाया जिससे इन्हें गुस्सा आया? प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान। ब्यूटीफुल है। प्यार आँखों से जताया तो बुरा मान गए, अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ सुनी, अपने गजरे के हर एक फूल की तारीफ। आपने गाना क्यों बंद कर दिया सर? क्योंकि वो चली गई। ओ, अच्छा ये बताइए, हाँ? इस कमरे की रौनक कहाँ गई? वो क्या है ना, मिशन के लिए बदलना पड़ा। आपने इसे देखकर जो गाना गाया, क्या वो भी पार्ट ऑफ द मिशन था? पार्ट वार्ट कुछ नहीं, मिशन मिशन होता तो है। वो इसके लिए सॉरी कहना। थैंक यू शिवा। इस मिशन में ये भी तुम्हारा काम है। मैम, वो स्टूडेंट कौन था बता सकती हैं आप? इडियट। इडियट, हाँ, बाप रे। सर, वो स्टूडेंट कौन था पता नहीं सर? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो अभी अभी यहाँ से गया है। क्या कोड वर्ड लीक हो गया? चेंज, बदल दिया। बदलना ही होगा। समझा नहीं। वही कोड वर्ड है। Most familiar abrasive is a sandpaper. It can be made in many grades from coarse to fine. Excuse the me. Grade of... Can I? No, you're not. Out of my sight. Excuse me. Oh, Dad, it was easy. मेरी बात सुनो। अगली क्लास में जरूर एक्सप्लेन करूंगी। गाना गाना काफी नहीं था जो आप फॉलो भी कर रहा है? करेक्ट। क्या करेक्ट? नहीं, एक छोटी सी गलती कर दी। मैं जानती हूँ। ये तो मैं ही जानता हूँ कि मैंने कैसे कंट्रोल कर रखा है खुद को। अच्छा, तुम नहीं सुधरोगे ना? नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू होल्ड यू, हग यू। हेलो, आई वॉन्ट टू सॉरी। बी केयरफुल, कम से कम अब तो कंट्रोल करना। Hey, come here. ये मत सोचना कि थोड़ी दूर जाकर मैं मुड़कर देखूंगी और तुम्हारी टेलीपैथी सच होगी, ऐसा नहीं होगा। अगर बुलाया तो सर, पहले आप क्या थे अब क्या हो गए हैं? आपके पिताजी ने आपको यहां भेजकर बहुत बड़ी गलती कर दी। बैठे बैठे यही सोच रहे हैं ना आप? नहीं, मैं कुछ और सोच रहा। सर,
वो आपको यहाँ नहीं भेजे इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की। मैंने कहा भी था। क्या? वो आजकल देवदास की तरह ना हंसते हैं ना किसी से मेलजोल बढ़ाते हैं, सिर्फ गुस्सा करते हैं। दाढ़ी बड़ी है, सिक्स पैक्स की जगह पे तोंद है। कुछ कहा मैंने तुमसे? मैं आपका दुख समझ सकता हूँ सर, मैंने फैसला कर लिया है सर। मैं आपके पिताजी को हाथ पैर पड़कर आपको यहाँ से वापस भेज दूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप कॉलेज नहीं जाना चाहते। चाहता हूँ, मेरा मन अभी कॉलेज में है, चाहे कितने भी दिन लग जाए, बिना किसी तरह की जल्दबाजी के, बिना किसी टेंशन के। सर आप? हाँ मैं पहले ऐसे पकड़ता, लेकिन अब ऐसे 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 ऐसे। लगता है अब ये स्टूडेंट डिग्री के साथ ही आएगा। ए यहाँ क्या कर रहा है तू? हाँ पूजा कहाँ है? लाइब्रेरी में, डिस्टर्ब नहीं करने को बोली है। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने कहा ना मुझे आप पसंद नहीं है, फिर क्यों आए आप पापा? पूजा मैं बदल गया हूँ। आपको लगता है मैं मान जाऊंगी? अगले महीने हम अमेरिका जा रहे हैं, मैंने तुम्हारी पढ़ाई का वहाँ पूरा इंतजाम कर दिया है। किससे पूछकर किया आपने ये सब? आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी तरह छिपती फिरूं? मैं अपने बाकी के दिन अब तुम्हारे साथ ही बिताना चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती, आपकी इन्हीं सब बातों की वजह से मेरी माँ की जान तक चली गई। तुम्हारी जान को खतरा है, मुझे पकड़ने के लिए वो तुम्हें मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये सब क्यों? आप ही मुझे जान से मार दीजिए, मेरे जिंदा रहने से ही आपको तकलीफ हो रही है ना? मैं अकेले खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन आप समझते ही नहीं। आखिर क्यों? आपको अपना पापा कहते हुए मुझे शर्म आती है। एक क्रिमिनल की बेटी होने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। पूजा सर आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं। सर पूजा ने किसी से बात की है, लंबी आर्ग्यूमेंट हुई है। वरना वो रोती क्यों? जरूर वो रामप्रसाद ही है। इससे पहले मैंने क्या कहा था? पूजा ने किसी से बात की है, लंबी आर्ग्यूमेंट हुई है, वरना वो रोती क्यों? जरूर वो रामप्रसाद ही है। सर आपने जो कहा मैंने भी वही कहा, इसका मतलब है मैंने आपको सही से फॉलो किया, है ना सर? सुनो मैं रो दूंगा, अब चले जाओ। फॉलो करना गलत बात है क्या? चाहता है कि नहीं? नो, आज मैं तुम्हें वो बात बताने जा रहा हूँ जो कोई नहीं बताएगा। हमारे जीवन में कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। क्या मतलब है? ओके जंप। आई लव यू। क्या हुआ? मुझे कुछ पूछना है, because I want to serve the nation. ए, चुपचाप काम करो, ये मामला कुछ और है। समझ गया ना? समझ गया। चलो फिर से बना गया। क्या शिवा मल्लिका से प्यार करता है? शिवा मल्लिका अच्छी जोड़ी है ना? हमारी भी तो है। गाना गाकर उसने उसे फंसा लिया। अच्छा गाना गाकर फंसा सकते हैं क्या? मुझे तो शिवा जैसा बॉयफ्रेंड चाहिए। तो जाके ढूंढो। शिवा लव्स मल्लिका। रबिश। शिवा को शर्म नहीं आती क्या? इसमें शर्म की क्या बात है, मर्द ऐसे ही होते हैं, औरतों को ही सावधान रहना चाहिए। तरफदारी क्यों कर रहे हो? छोड़ो ना कॉफी। तुम दोनों के बीच कैसे बहस हो रही थी? एज यूजुअल। कल 1 अप्रैल है।
इस बार नरेंद्र को बेवकूफ बनाएंगे। कम हियर, मेरे पास एक आइडिया। किडनैप। राम प्रसाद कहाँ है? मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है। बताओ, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। बता दोगे तो जिंदा रहोगे, वरना। मॉडर्न आर्ट सर। फील नहीं किया? इसके लिए ये हमारा आदमी नहीं था। सर, आपसे मिलने के लिए इंस्पेक्टर आया है। बुलाओ उसको। सर, राम प्रसाद की एक लड़की है जो ऊटी में पढ़ती है। उठा लाओ। सर, आपसे मिलने के लिए इंस्पेक्टर आया है। तुम्हें जो पूछना है पूछ लो। घूर क्या रहे? उठा लाओ। कमिश्नर सर, और मैंने जो प्लान बनाया वो ठीक नहीं है। आपका प्लान जान सकता हूं क्या सर? अपहरण। यू मीन किडनैपिंग? उठाता हूं। सर को देखा, जो भी कहते हैं फॉलो करते हैं। अब करना क्या है? क्या मतलब? वन सेकेंड। सुनिए, क्या चाहिए आपको? कुछ भी तो नहीं। इतनी बेइज्जती करने के बाद भी फॉलो कर रहे हो? अक्कल नहीं है क्या? गुस्सा नहीं आता आपको? नरेंद्र। हाँ, आ रहा हूं। कुछ तो बोलिए, आप पत्थर हैं क्या? बोलिए। छोड़ो मुझे। ए, मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने को। सचमुच किडनैपिंग हुई होती तो पता चलता। बेचारे शिवा सर। पूजा कहाँ है? अभी वो लोग कौन थे? एक्टिंग बंद करो और कैप उतारो। एक्टिंग? तेरा बाप कहाँ है? नहीं जानती। चल उसको फोन कर। नंबर नहीं पता। ऐसे नहीं बताएगी ये। कहाँ है तेरा बाप? तू नहीं जानती? कुछ भी पूछो तो कहते ही मैं नहीं जानती।
पता नहीं किसने पूजा को किडनैप कर लिया। क्या उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पता नहीं क्या हुआ है। कुछ करना चाहिए। हाँ सच में पता करना पड़ेगा भाई। मैंने उसे सब जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। शिवा सर के साथ पूजा आ गई। नरेंद्र पता है शिवा ने मुझे बचाया। अगर शिवा मुझे वक्त पर बचाने नहीं आते तो वो लोग मुझे मार देते। सॉरी इट्स ऑल राइट। हे तुम यहां क्या कर रहे हो? सब कुछ तैयार है। पूजा को उठाने वाला हूं। हमने शिवा की कितनी बेइज्जती की है। वो सीन अभी खत्म हुआ है। अब जाए यहां से। शिवा हमारी बात सुनो। फ्रेंड्स मैं तुम्हारे ट्रेंड का नहीं। भैया माफ कर दो ना, मैं तो पत्थर हूं ना। शिवा प्लीज। फ्रेंडशिप की जाती है, मांगी नहीं जाती। ये! ये! क्या बात है गुरु, आज इतनी जल्दी? अच्छा मलिका मैम की क्लास है। कल की मस्ती के बाद मलिका मैम को सर्दी लग गई है। उनकी केयर करने वाला कोई भी नहीं है, बेचारी। मुझे तो उनकी फिक्र हो रही है। छित, सिर्फ प्यार करने से कुछ नहीं होता, अभी तो सर्दी शुरू ही हुई है। सर्दी को ऐसे ही नहीं समझना चाहिए। सर्दी से बुखार भी आता है, अब बुखार ज्यादा हो गया तो इंसान मर भी सकता है। अरे कौन मर रहा है कुछ तो बताओ। क्या लगता है अब क्या होगा? कोल्ड वॉर। हे तुम यहाँ क्या आए हो? इसके लिए। हे क्या कर रहे हो तुम, क्यों आए हो यहाँ? मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ये सुनकर मेरे हाथ पैर काम करने बंद हो गए। मैं यहाँ जल्दी से आ गया। किचन। किचन सुपर। रुको पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को? फोन भी ना। ए बाहर आओ। देखो कल मैंने तुम्हारे साथ डांस किया, इसका मतलब ये नहीं कि ये गर्म है। देखो तुम गलत मत समझो। ओके वो बाद में देखेंगे, पहले भांप ले। तुम्हें क्या है, परेशानी तो मुझे ही होगी। अब कैसा लग रहा है? बहुत गुस्से में है। बस थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। क्या किया है तुमने? एक लड़की को लाने के लिए बोला तो सब पिट के आ गए हैं। हाँ
क्या हुआ? सर मुझसे गलती हो गई सर, मुझे एक चांस और दीजिए सर। सर मैं नहीं जानता वो कहां से आया था। सर सर मुझे एक चांस और दीजिए सर। आया? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ सर। सर फील हुआ ना सर? हमारे आदमी को मारने वाला कोई मामूली स्टूडेंट नहीं हो सकता। समथिंग इज रॉन्ग। हेलो पूजा, मैंने कहा ना मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। Please. मैं यहाँ शांति से रहना चाहती हूँ, फिर आप क्यों परेशान कर रहे हैं? मेरा नंबर बदलने के बाद भी आपको नंबर कहाँ से मिल जाता है? मैं क्रिमिनल के साथ बात नहीं करती। Who's that criminal? Okay. नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। मेरे पापा, I hate him. बढ़िया चिंता करने वाले, वो चाहते हैं कि मैं हमेशा उनके साथ रहूं। वो इस वक्त कहाँ है? पूजा यहाँ क्या कर रही हो? ये भी हमेशा पीछे पड़ी रहती है। क्लास में क्यों नहीं गई? सॉरी मैम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्लास? पढ़ाई के अलावा तुम सारे काम ठीक से करते हो। देखो मुझे पता है तुम अब भी क्या सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, आज के बाद मैं भी तुम्हारे ख्वाबों में नहीं आऊंगा। मेरे ख्वाबों में? इसे कैसे पता चला? क्या हुआ, किससे बातें कर रही हो? कुछ नहीं, वो बकवास कर रहा था। चलो। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पर्सनल मैटर है ना। अरे वो कभी मेरे ख्वाबों में नहीं आया। अब मुझे क्या पता, मैं सच कह रही हूँ। मुझे क्या करना है, क्लास का टाइम हो रहा है। शिवा, I'll kill you! kill you? सर, वो कोई और नहीं, प्रोफेसर मल्लिका है। शिवा उन्हें टॉर्चर कर रहा है, अपना काम किए बिना इनका पीछा कर रहा है। क्या यही हमारा मिशन है? यस यस यस। जेम्स बॉन्ड लड़कियों के साथ घूमते हैं, क्या इंडियन बॉन्ड्स भी? नहीं, सभी बॉन्ड्स एक जैसे ही होते हैं, नहीं तो मिशन पूरा नहीं होता ना। तुम खुद देखोगे, किल यू एक दिन किस यू बन जाएगा। मैं कब बॉन्ड बनूंगा? मेरे बाद कोई नहीं आया। फॉलो मी। फोन नहीं उठा रहा, कहां गया पागल? क्या कर रहा होगा? हेलो। हेलो, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर। तुमने कॉल ट्रेस किया कि नहीं? नहीं, लगता है बुरा मान गए। लगता है थोड़ा बैलेंस रह गया है। जाके क्लियर करना ही ठीक होगा। हेलो बेबी, आई एम बैक। ए, क्या लगती है तू? हाय, आई एम बैक मैम। ख्वाबों की मल्लिका प्रिय मल्लिका, आई एम बैक, मैं वापस आ गया हूं। हराम हो गई है। जानता हूं, क्योंकि डोंट वरी, आज के बाद मैं तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगा। हे
Be cool. Hello? Shit! सर क्या हुआ? राम प्रसाद की बेटी को क्यों नहीं उठा पाए पता है? कमिश्नर कार्तिक का बेटा शिवा कॉलेज में स्टूडेंट बना हुआ है। सर मैं स्टूडेंट बनकर मैं इतनी सीरियसली बात कर रहा था और ये स्टूडेंट बनना चाहता है। काम तुझे लगता है मुझे दूसरा काम नहीं? हाँ क्योंकि अगर मैं चला गया तो तुम्हें राजा राव को पकड़ने के लिए कुत्ते की तरह भागना पड़ेगा। अगर तुम जीतना चाहते हो तो शिवा पापा आप कब आए? जब आप बेबी कह रहे थे तभी आ गई ये। क्या हुआ पापा? एनी प्रॉब्लम? नो 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 प्रॉब्लम। तुम्हें देखना चाहता था बस इसलिए आ गया। तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछूं? पूछो पूछो। तुम किसी स्टूडेंट से लव करते हो? आप मुझे डांट सकते थे या मार भी सकते थे शिवा, लेकिन इस तरह छे। मिस्टर हनीफ इंफॉर्मेशन सही है ना? मैंने अपने बेटे को गलत समझ लिया तो भी सटिया गया है। शिवा क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? बताना है तो बताओ, नहीं बताना है तो मत बताओ। मैं किसी स्टूडेंट से लव नहीं करता, मैं तो प्रोफेसर से लव। तो ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा था? मैं तो घबरा रहा था कि कहीं मैंने तुमसे कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तू ये बार बार टाइम क्या देख रहा है? क्लास का टाइम हो गया है, एक क्लास भी मिस किया तो बहुत परेशानी हो जाएगी, है ना शिवा? जाओ जाओ नहीं तो बेल बजा देंगे। ठीक है बाबा, जाइए जाइए। स्टूडेंट संभल कर जाना। स्टूडेंट सिंसियर स्टूडेंट। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए सर कि आप यहाँ पर क्यों आए? वो मत पूछो, बहुत ही बुरा सपना था। हा? अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। मैंने देख लिया शिवा बदल गया है, गा रहा है, नाच रहा है, पूरी तरह बदल गया है। देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं समझ गया सर कि आपने शिवा को यहाँ क्यों भेजा। सिर्फ राम प्रसाद को पकड़ने के लिए नहीं, फिर? शिवा के कैरेक्टर को भी बदलने के लिए। ये बात है। अच्छा ये लड़की कौन है, कैसी है? सुपर। चुप। Okay, today we are going to discuss about explosives. Good. Does anyone know the requirements of an explosive? No, ma'am.
शिवा तुम पीछे जाकर बैठो। गो गो शिवा कम आउट। अरे यार तो क्या कह रहे थे? मियाओ। आपने नहीं कहा? ख्वाब देख रहे थे। ओ ख्वाब था। ए आज के बाद तुम मेरी क्लास अटेंड नहीं करोगे। मैम आपकी क्लास खत्म हो गई। शिवा आजकल तुम मुझे कोई मुश्किल काम क्यों नहीं देते? तुम गन लाए हो क्या? क्यों? मैंने बहुत दिनों से किसी को मारा नहीं। किसे मारना है? यह हमारे सिवा कौन है? शिवा जो काम दिया है वो तो कर नहीं पा रहे हो और मुश्किल काम चाहिए। उस राम प्रसाद के 100 सेलफोन नंबर से जो कि वो बार बार बदलते रहता है। उसकी बेटी भी नंबर बदलती रहती, फिर उसे कैसे पता चलता? वो तो आपको पता लगाना है ना सर। गलती कर दी। गन मुझे ही लानी चाहिए थी। बाप रे बाप, हमें पुराना शिवा नहीं चाहिए। स्टूडेंट स्टूडेंट रन रन रन। आप मेरा विश्वास कीजिए। विल यू प्लीज शट अप। रामप्रसाद, तुम मुझे छोड़ दो शिवा। आई वांट टू कैच हिम। आई वांट टू कैच हिम। जा पकड़ो। जाता हूं। क्या हुआ? बहुत तेज भागता है। अंकल आपको पता है आपका पीछा कौन कर रहा था? पुलिस वाला हो सकता है, राजा राव का आदमी हो सकता है, पता नहीं। पूजा से बात की तुमने? वो आपके बारे में बात करते ही टेंशन में आ जाती है, उसे आपके साथ भेजना मेरा काम है। ए शिवा सर का लव वाकई कामयाब होगा क्या? क्यों नहीं होगा? ए वो स्टूडेंट है। तो क्या हुआ, चाहे तुम उससे बेट लगा ले यार। हे मैडम मैडम यहाँ आओ। क्या कह रहे थे? वो शिवा सर का प्यार वर्कआउट होगा या नहीं ऐसा ये बोल रहा था। वो कैसे? वो क्या है मैडम, आप प्रोफेसर हैं और वो आपसे उम्र में बड़े हैं। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जाओ। वर्कआउट होगा, देखते हैं। हेलो, पूजा को देखा है? नहीं। वो क्या है आज हम लोग? पूजा कहाँ है? नहीं देखा। ए, तुमने पूजा को देखा? नहीं, नहीं देखा। हे नरेंद्र, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ जानते हो? मैं पूछ क्या रहा हूँ और तुम क्या जवाब दे रही हो? सॉरी ना यार। तुम्हें कुछ हो गया होता तो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पिताजी को क्या जवाब दूंगा मैं? अमेरिका जाने वाली हो ना तुम? क्या कहा तुमने? इसका मतलब तुम मेरे पापा को जानते हो?
पूजा। You are a cheat. पूजा प्लीज। बहुत हो गई नौटंकी तुम्हारी। पूजा क्या हुआ? कुछ भी छुपाना मत मुझसे। किसी पर विश्वास नहीं होता, सब ढोंगी है। इतने दिनों की दोस्ती झूठी थी, क्यों शिवा क्यों? अच्छा, मैं नहीं जानती थी कि नरेंद्र ऐसा करेगा। हाँ, नरेंद्र? बच गए यार। हेलो। वो रो क्यों रही थी? लवर्स प्रॉब्लम। किसी पर विश्वास नहीं होता, सब ढोंगी हैं। सेम डायलॉग। तो फिर मेरा पीछा क्यों करते थे? जब देखो परेशान करता रहता है। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ समझता ही नहीं है। बोलोगी तो समझूंगा ना। बोलूंगी तब भी नहीं समझेगा। कॉलेज तो हाँ। अच्छा बाय पूजा। पूजा मेरी बात। इट्स ओवर। बहुत दिन पहले बनाया हुआ प्लान आज जाके पूरा होने वाला है। ये कॉलेज की इज्जत का सवाल है, पर कैसे बताऊं ये समझ नहीं पा रहा हूं। कल्चरल प्रोग्राम के बारे में ना? करेक्ट। कुछ ऐसा करना है जैसा कभी नहीं हुआ। इस वर्ष बहुत धूमधाम से करने का फैसला किया है। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके लिए मैंने एक प्लान बना रखा है। क्या प्लान है मैं बताऊं सर? इसे आप एक जिम्मेदार आदमी को सौंपना चाहते हैं ना सर? और मैं बताऊं, आपने उसे चुन भी लिया है। वो कैसे कमलनाथ? इट्स माय स्मार्टनेस। जब तुम्हें पता है तो बता दो। मैं कैसे बताऊं? ओके ओके ओके। इस जिम्मेदारी को एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक बहुत ही सुंदर सुंदर जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं, द वन एंड ओनली बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मिस मल्लिका को। सर मैं अकेली कैसे? डोंट वरी मिस मल्लिका, स्टूडेंट्स कैबिन में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू सर। मिस्टर कमलनाथ, am I right? Right. Okay, meeting over. शाहरुख खान कॉलिंग आमिर खान, ओवर। आमिर खान कॉलिंग शाहरुख खान, ओवर। हम दोनों जिस प्लान के बारे में जानते थे उसके बारे में कमलनाथ को कैसे पता चला? मैंने नहीं बताया। मैंने भी नहीं बताया। पता फिर कैसे चला? पता लगाएंगे। ओवर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल ने बताया नहीं। ओह, तो तुम वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हो? हाँ, वो मैं ही हूँ। ये प्रिंसिपल भी ना। स्टॉप इट। उन्हें क्यों डांट रही हो? मैं खुद यहाँ नहीं आया, स्टूडेंट्स ने फोर्स किया इसलिए आया हूँ। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो इतना नाराज हो रही हो? मेरा गाना पसंद नहीं है, सामने आना पसंद नहीं है, सपनों में आना पसंद नहीं है। शुरू से तुम्हें तो मैं पसंद ही नहीं हूँ, तुम्हें तो मेरी हेल्प ही नहीं चाहिए। I'm sorry. अरे काहे का सॉरी, तुम तो मुझे समझ ही नहीं पाई। शिवा प्लीज। अब आई ना लाइन पे। वाटर प्लीज। व्हाट? अरे पानी पिलाओ। थैंक्स। तुम पर भरोसा कर सकते हो ना शिवा? ओके ओके। तुम दोनों को यहाँ आने का इनविटेशन दूँ? ये प्रोग्राम सबको मिलकर करना है। लवर्स प्रॉब्लम। ओ, वो सब छोड़ो, लेट्स गेट टू द पॉइंट।
ओके, वी विल स्टार्ट विद अ वेलकम नोट, प्रेयर सॉन्ग, क्लासिकल म्यूजिक, फ्यूजन। ज्यादा है। क्या? लिपस्टिक ज्यादा है। शिवा। नहीं, सच कह रहा हूँ, देखो। शट अप। कमिंग बैक। वेलकम नोट, प्रेयर सॉन्ग, क्लासिकल म्यूजिक, फ्यूजन। ओह गॉड, मुझे ही सब कुछ कहना होगा या तुम भी कुछ कहोगे? क्या? तुम मॉडर्न ड्रेस पहनोगी तो अच्छी लगोगी। कल ही ख्वाब में देखा था, क्या खूबसूरत लग रही थी तुम। ए, गेट आउट। मैम। आई सेड गेट आउट। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तुम जाओ। जाना होगा। आउट। तुम दोनों के बीच क्या प्रॉब्लम है? मैम, मैं इसके साथ डांस नहीं करूंगी। ए, किसने कहा मैं तुम्हारे साथ डांस करने वाला हूँ? यू आर अ चीटर। चुप हो जाओ नहीं तो। स्टॉप इट। प्यार मोहब्बत में तो झगड़ा स्वाभाविक है। अगर झगड़े नहीं होते तो तुम प्यार नहीं करते। हर झगड़े से प्यार बढ़ता है। फिर अगर चाहो तो भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मैम, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट। कम ऑन गाइस, लेट्स रॉक। चल जा। तुम अब तक गए नहीं ना? अब समझ में आया कि तुम बार बार मुझसे क्यों झगड़ा करती हो। बिकॉज चलता हूं। ये लड़का पागल कर देगा। वैसे लिपस्टिक ज्यादा ही है। फेरा इंक्वायरी, इनकम टैक्स नोटिस और ऑडिटर से मीटिंग। फैक्ट्री सेल के बारे में आपकी मीटिंग, इसके अलावा आपकी बेल के बारे में लॉयर से अर्जेंट मीटिंग करना है। ऐसा लॉयर कह रहा था सर। क्या हो रहा है ये सब? हैं? पहले से ही कम टेंशन है क्या? वो कहीं दूर बैठा हुआ वार पे वार किए जा रहा है। क्या है ये सब? एक कल के झोकरे को नहीं संभाल पा रहे हम लोग। हाँ, कोई तो बताओ मैं क्या करूं। अब तुम लोग यहां पर क्या कर रहे हो? सब लोग चले गए तो मेरे साथ कौन रहेगा? क्यों रे, फील हो रहा है क्या? बेकार में फील नहीं करना चाहिए। जब कोई मर जाए तब फील करना चाहिए, समझे? पूजा को रेडी कर दिया? वो लोग आए नहीं मैम। क्या आए नहीं? जी मैम, उनका फोन भी बंद आ रहा है। परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है, अब क्या करूं? अरे कौन है ये? क्या शोर मचा रखा है? ऐसा क्या हो गया है जो सब चिल्ला रहे हो? Everybody out! तुम नहीं। Everybody. सबको जाने दो ना। क्यों? सबको जाने तो बताती हूँ। सब लोग बाहर चले गए क्या? हाँ, चले गए।
इतना सब होने के बाद इतने मासूम बन रहे हो? I've fallen for you. ए, मुझे पता है तुम सब समझ रहे हो, मेरे सामने एक्टिंग मत करो, ओके? Yes. देखा क्या? देखा। मैं कब बॉन्ड बनूंगा? मैं कब बॉन्ड बनूंगा? मेरे बाद। नरेंद्र, इतना क्यों पी रहे हो? है? मैं कुछ भी करूं, तुम्हें इससे क्या? क्योंकि मैं तो चीटर हूं ना? तुम्हें और तुम्हारे पिता को मिलाना चाहता था, तो मैं फ्रॉड हूं मैं। नरेंद्र, तुम मेरे पापा के बारे में नहीं जानते हो। जानता हूं, वो क्रिमिनल है। अरे कौन गलती नहीं करता और कौन नहीं सुधरता उसके बाद? तुम क्या कर रही हो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? देख लेना, तुम्हारे कारण ही तुम्हारे पिताजी एक दिन मारे जाएंगे। नरेंद्र! हे, क्यों चिल्ला रही हा? मेरा और तुम्हारे पिता का क्या संबंध है? इतनी मुसीबत में भी वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं और तुम जाना नहीं चाहती। शे! बाप न होने का दुख तुम्हें क्या पता? मैं जानता हूँ, बिना बाप का रहा हूँ मैं, बिना बाप का। हे, कौन है मैं? कौन लाइट बंद कर रहे? नरेंद्र, तुमने बहुत पी रखी, बोलो। शिवा, तुम कब आए यार? बस अभी आए। तुम ठीक हो ना? क्या हुआ, फील कर रही है क्या? चला, ए साल मत मार, चल निकाल। मैं देख लूंगा। अच्छा सुनो, नरेंद्र के लिए परेशान हो?
अजीब पागल लड़की हो तुम। उस पर विश्वास नहीं है तो छोड़ दो ना। ए चुप कर। पूजा, नरेंद्र केयर्स फॉर यू। वो जो कुछ करेगा तुम्हारी भलाई के लिए ही करेगा। कितना भी कहो ये समझने वाली नहीं है। ये नरेंद्र को लव नहीं करती, नरेंद्र से लव करता है। नरेंद्र के बारे में बात करने वाली तुम कौन होती हो? यू जस्ट शट अप। वो जो भी कहेगा मैं मानूंगी। आई लव हिम। नरेंद्र, क्या हुआ नरेंद्र? ये क्या? कुछ नहीं माँ, भैया ने सब सॉल्व कर दिया। तूने पी है ना? मैं पूछ रही हूँ, पी है ना? I'm sorry माँ। ये आदत कब से लगी तुझे? आइए 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 ना। क्यों रे, तू इस तरह क्यों कर रहा है? ये तो मेरी गलती थी कि तुझे इतना सर पे चढ़ा लिया मैंने। बैठ। तू समझता क्यों नहीं? बिना किसी मत के सहारे मैंने इस घर को कैसे संभाला, तू समझता क्यों नहीं? मेरी माँ, आपकी भी माँ ऐसी ही है क्या? चुप कर, बहुत हुआ। तुम कौन हो? शिवा, तुम्हें नाम पसंद नहीं आएगा। बकवास मत कर, इसकी बातों का बुरा मत मानना। बैठो ना बेटा। पता नहीं इसे क्या हो गया, पूजा के साथ झगड़ा होने के बाद ऐसा ही कर रहा है। पता नहीं इन दोनों में क्या परेशानी है। भूख लग रही है। अरे अरे मैं भूल गई बेटा, सॉरी। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम भी खाकर जाना। हाँ, नाराज होने का दिखावा करती हैं, पर कभी भी नाराज नहीं होती। चाहे कुछ भी करूं उन्हें कभी गुस्सा नहीं आता। मैं उनकी जान हूं और उन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। मेरे पिता, मैंने भी बस इन्हें फोटो में ही देखा है, लेकिन हमारे साथ नहीं है। हम जब दिल्ली में थे तब मिलने आए थे। मुझसे मिलने आए थे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन माँ से लड़ने आए। उन दोनों में प्यार था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है इन दोनों की कभी नहीं पटी। नरेंद्र, क्या बकवास कर रहा है? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ, इन सब का कारण वो अनाथ ही है। हाय, क्या हुआ शिवा? क्या बात है, मुझसे नाराज हो? मैंने कोई गलती कर दी क्या? कुछ तो बोलो। पर्सनल प्रॉब्लम। पर्सनल प्रॉब्लम मुझे नहीं बता सकते। मुझे लगा था मेरा कोई तो है, लेकिन अब पता चला कि कोई नहीं है। मेरा भी कोई नहीं है। ये क्या कह रहे हो? कस्तूरी, शिवा। Thank you.
चलो शिवा चलते हैं। आ जाओ। अरे क्या हुआ, तुम्हारा शरीर तो तप रहा है। पापा को बाय बाय बोलो। कस्तूरी बोलो। ये लो। तुम कार लेकर जाओ, इसे बुखार है, मैं डॉक्टर को दिखा कर आऊंगा। लेकिन सब आपका इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना बेटा। तुम्हारे पति अभी तक आए नहीं? उन्हें पता है वो आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, आते ही होंगे। कस्तूरी, कस्तूरी, आई एम सॉरी, मैं शिवा के स्कूल गया था। स्पोर्ट्स डे है ना, देखो उसने कप जीता है, गोल्ड मेडल भी जीता है। माँ को दो, दिखाओ 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 दिखाओ। चलो चलो अब नहाकर जल्दी से खाना खाना है। चलो 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 चलो, कम 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 कम। हेलो शिवा, कहाँ है? वो सो रहा है, तो उसे उठा दो। ओके। नहीं शिवा, क्यों रो रहे हो? ए शिवा, शिवा कहाँ है? गौरी नरेंद्र को ले जाओ। शिवा कहाँ है? ए शिवा, क्यों चिल्ला रहे? शिवा यहाँ पर नहीं है, मैंने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। क्या कहा? अनाथ? मुझे वो पसंद नहीं है। अचानक क्या हो गया तुम्हें? मन में कुछ और दिखावे के लिए कुछ और मुझे पसंद नहीं है। अब तो हमारा खुद का भी बच्चा है, शिवा की क्या जरूरत? आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। अब शिवा हमारे लिए बेकार हो गया? क्यों शिवा शिवा का रट लगा कर रखे? कैसी बातें कर रही हो? शिवा हमारा बेटा है, तुम्हारे अंदर ममता नहीं है क्या? ममता है, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए, वही हमारे लिए सब कुछ है। शिवा के लिए हमारे घर की सुख शांति सब खत्म हो गई, मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं है। तुम पागल हुई हो क्या? एक छोटे बच्चे के दिल में इच्छा पैदा करके अब ये सब क्या कर रही हो? बस भी कीजिए, मैं एक माँ हूँ, मैं अपने फर्ज अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे लिए मेरे बेटे का भविष्य ज्यादा जरूरी है। तुमसे बातों में कोई नहीं जीत सकता। कहाँ जा रहे हैं आप? पहले ये फैसला करके जाइए कि वो अनाथ जरूरी है या हम लोग। दोबारा उसे अनाथ कहा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मार डालिए, हम दोनों को जान से मार डालिए। वो इतना प्यारा है, पता नहीं कहाँ पैदा हुआ, किसका बच्चा है, शायद आप ही का बेटा हो। क्या कहा? मैंने कहा वो आपका नाजायज बेटा है। वो मेरा, जाकर मरो कहीं। आजा 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 कस्तूरी। साहब, मेम साहब ये छोड़ के गई। शिवा एक बात कहूं, तुम्हें ये दुख नहीं है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हें दुख ये है कि वो तुम्हारी वजह से बिछड़ गए, है ना? छोटी सी उम्र में जो कुछ भी हो गया उसके लिए तुम खुद को क्यों गुनहगार मान रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब फिक्र करना छोड़ो और उन्हें मिलाने की सोचो, तुम ये कर सकते हो। थैंक यू भी नहीं कहा? हमारे बीच थैंक्स की जरूरत है? नहीं। चुप रहो ना, मैंने गुस्से में कहा था वो। सॉरी डियर, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। तो मत जाना। सच में? ए, चल जा। देखा, टेंशन में आ गए। ए, रुको रुको रुको, अच्छा मैं जाती हूँ, तुम खुश रहोगे ना? ए, टेस्ट कर रही है। मैं क्यों टेस्ट करूंगी, तुम क्या मुझे लव करते हो? अगर लव करते हो तो कहते क्यों नहीं? I love you. Yeah! I love you. Hey, please, please, please. हमारे लव के लिए तुम्हें जाना ही होगा। हेलो ब्रदर, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। आओ, पूजा, हैप्पी। एक और सरप्राइज है। मेरे लिए? पापा, सॉरी पापा, मैंने गुस्से में आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं
मेरी भी तो गलती है, इस सब का कारण मैं भी हूँ। मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया पापा। कोई बात नहीं बेटी, हम दोनों के मिलने का कारण नरेंद्र है। आई मस्ट थैंक यू नरेंद्र, थैंक यू। अंकल मुझे थैंक्स मत कहिए, शिवा से कहिए। थैंक्स। यू वेलकम। अंकल पुलिस। शिवा, CBCID। शिवा, क्या कर रहे हो? You can't do this, शिवा। शिवा, I beg you, don't do this, शिवा। पूजा प्लीज, पूजा कंट्रोल योरसेल्फ। शिवा, पूजा प्लीज। पापा। पूजा जाओ, जाओ। शिवा, उन्हें छोड़ दो, शिवा। पापा। पूजा प्लीज। हाँ, शिवा। शिवा पुलिस ऑफिसर। पुलिस। अच्छा हुआ मैंने उसे डांटा नहीं, केवल घूर कर देखा। ऑफिसर, क्यों रे रामप्रसाद, तेरे कारण हम लोगों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। सर, कोई स्टूडेंट बनकर कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अब सब कुछ खत्म हो गया। करेक्ट। क्या करेक्ट? रास्ते में ही खत्म कर देंगे। राजा रूफ के बारे में तुम लोग क्या जानते हो? अभी तुमने मुझे पकड़ा है, थोड़ी देर में वो पकड़ लेगा। मेरे साथ तुम लोग भी ऊपर चले जाओगे। अब तो ये केस कोर्ट में नहीं जाएगा। कमिश्नर सर, आई एम सॉरी। कम ऑन। कमिश्नर का बेटा। उम्मीद नहीं थी ना कि मैं आऊंगा। शिवा, जानते हो ये कौन है? जानता हूं, मेरा दोस्त, लेकिन मेरा इकलौता दुश्मन। इसे यहां लाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया। इस अच्छे काम को यहीं खत्म करना चाहता हूं, नहीं तो तुम भी औरों की तरह। औरों की तरह क्या? हाँ, जब मैं इसे यहां से ले जाऊंगा तब तुम हम पर हमला करोगे या इसकी लड़की को उठवाओगे। सब लोग यही करते हैं। यू शुड डू समथिंग डिफरेंट। करेक्ट। मैंने उसे जान से मारने का फैसला किया है। थैंक्स। अब तुझे मारने का मेरे पास पूरा पूरा हक है। है या नहीं? है या नहीं? है या नहीं? है। जब ये आपको मारने के लिए कहें तो आप मार सकते हैं। राजा रहो, अगर तुमने रामप्रसाद को मारने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अगर नहीं मारोगे तब भी मैं तुम्हें मार दूंगा। इसमें यह बात पक्की है कि तुम्हारी मौत निश्चित है। क्या रे, तू तो विलन की तरह बात कर रहा है। विलन के लिए मैं विलन हूं। अपने दोस्त से आखिरी बार कुछ बातें करना चाहते हो? बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। गुड। No!
सबसे पहले इसको, उसके बाद उसको, दोनों को खत्म कर दो। Thank you.
इकबाल से कहना मैंने उसका हाल पूछा है। आपको मारते आते सब गड़बड़ हो गई, मुझे मार दीजिए। उठो, बीवी बच्चों के साथ ऐश करो। हम लोग जो आज इतने खुश हैं उसकी वजह है शिवा, लेकिन वो है कहाँ? धड़कता दिल, मचलता दिल, इश्क जब होता है। तरसता दिल, धड़कता दिल, चैन ना मिलता है। तड़पता दिल, मचलता दिल, इश्क जब होता है।